हेलो गाइस, इस शिवानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट 22 का रिजल्ट आ गया है। पता लग गया होगा मोटा मोटा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके दिमाग में अब आ रहा है कि भाई पढ़ लिया, सिलेक्शन हो जाएगा। पर सुना है कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि मूवीज देख के, सीरियल्स में देख के, हमें सुन के लोगों से दिमाग में हमारे इतना हो रखा है कि पता नहीं कितनी खतरनाक लेवल की रैगिंग होती है। अभी तो इतना सुन के हम लोग डर जाते हैं। मैं शिवानी MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे 6 मंथ हो गए हैं MBBS में। तो आई थिंक मैं एलिजिबल हूँ कि आपके इन क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकूँ कि रैगिंग होती है या नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है और अभी चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हमें फ्रेशर्स ने मिली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि मेरे पास इतने लोग मैसेज कर रहे थे कि शिवानी बताओ ना रैगिंग होती है या नहीं होती, बताओ ना। इंस्टाग्राम पे तो भर रखा है ये मैसेज कर करके। जब से रिजल्ट आया ना तब से ज्यादा ये मैसेज आने लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो तसल्ली से इस बारे में बात की जाए, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था ना तब मेरे दिमाग में भी यही था कि ये रैगिंग सच में होती है क्या। मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती थी, क्योंकि रैगिंग का नाम ही इतना डरावना लगता है ना सुन के, क्योंकि इतना कुछ हम लोग मूवीज में देख चुके होते हैं कि ऐसे रैगिंग होती है और इतना कुछ हमने सुना होता है रैगिंग के बारे में। कि डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो इसमें काफी डिसिप्लिन है, हमें पता है। तो हम लोग ये वाली चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हमारे सीनियर से, डॉक्टर से, कि ऐसे वो बिहेव करेंगे सबके साथ। और ये डाउट भी रहते हैं हमेशा हर कोई कि होती भी है या नहीं होती। तो चलो आज बात करते हैं। देखो, रैगिंग होती थी एक टाइम पे, क्योंकि रैगिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स थे, इसलिए रैगिंग होती थी। लेकिन अब वो रैगिंग बैन हो चुकी है, क्योंकि वो चीज हद से ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए उसको बैन करना पड़ा। तो इसलिए आजकल नहीं होती। पर एक नया वर्ड सुनने को मिला है रैगिंग के जगह पे, वो होता है PDP, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जैसा ये सुन के, फुल फॉर्म सुन के आपको पता लग रहा है कि क्या मतलब है, इसका मतलब भी यही होता है कि पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं आपकी। क्योंकि आपको पता है कि कितना डिसिप्लिन होता है डॉक्टर वाले प्रोफेशन में, क्योंकि एक भीड़ होती है ना, एक भीड़ में आपको जैसे आर्मी वाले बंदे अलग ही दिख जाते हैं उनके डिसिप्लिन की वजह से, तो ऐसे ही है कि कुछ लोग खड़े हों तो उनमें डॉक्टर्स अलग ही दिख जाते हैं उनकी सिंसियरिटी, उनके डिसिप्लिन की वजह से। और ये चीज हम पैदा होते ही नहीं सीखते, स्कूल में भी ये चीजें हम इतनी नहीं सीखते, इसलिए यहाँ आके हमें सिखाई जाती है और ये चीजें हमें PDP में सिखाई जाती हैं। तो इसलिए PDP का बहुत फायदा है। तो आजकल PDP में ये होता है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपके साथ मारपीट हो रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, तो शिकायत करो, फिर वो रैगिंग है। क्योंकि किसी की जबरदस्ती कुछ भी सहन करने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। अगर सच में आपको टॉर्चर किया जा रहा है ना, कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो अभी MBBS में आएगा और आपके साथ कुछ होता है, तो आप पक्का बेशक आप शिकायत करना, क्योंकि किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो आपको मेंटली टॉर्चर करे। क्योंकि सीनियर्स हैं, आपसे 1 साल सीनियर है, 2 साल सीनियर है, 3 साल सीनियर है, तो वो सिर्फ आपसे इतने ही सीनियर है कि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनको विश करो, आप उनकी मदद करो, वो आपकी मदद करें। एक ये होता है जो हेल्दी एक रिलेशनशिप होता है एक सीनियर जूनियर के बीच में। अगर इससे ज्यादा आपके साथ बिल्कुल भी टॉर्चर हो, कुछ भी हो, तो आप शिकायत ही करना। तो अब ये PDP में क्या होता है, बस सीनियर से इंटरेक्शन होता है। क्योंकि आप किसी नई जगह पे जाओगे, ये तो ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पे सेटल हो जाओ। तो वो वहां पे सेटल होने में कौन आपकी मदद करेगा, सीनियर्स आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको उस एरिया के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज है। कोई मेरी तरह खाने का शौकीन है तो उसे नहीं पता होगा कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। जिस एनवायरमेंट में मैं रह रहा हूँ, रहने वाला हूँ, तो वो कैसी जगह है। तो ये सारी चीजें आपको सीनियर्स बताएंगे, जिनको एक्सपीरियंस है, वो पिछले 1, 2, 3 साल से वहां पे रह रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और पता है, रैगिंग का नाम सुन के हमारे दिमाग में जो इतनी गंदी इमेज बनी हुई है कि सब बेकार होते हैं, सब सीनियर्स हमारे बेकार ही मिलेंगे, वो सिर्फ हमारी रैगिंग लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर मैं मेरी बताऊं तो जब मैं इस कॉलेज में आई ना, मेरा कॉलेज SHKM शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर नू में है। तो जब मैं इस कॉलेज में आई ना तो मैं DU की स्टूडेंट थी, तो एक DU के इन्वायरमेंट से मैं यहाँ पे आई थी। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था यहाँ पे रहना, और मैं सोच रही थी कि ओ गॉड, मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पे। लेकिन वही है, धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शन हुआ सीनियर्स के साथ, मेरे बैचमेट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, और रैगिंग जैसी कोई चीज नहीं हुई, सिर्फ एक हेल्दी इंटरेक्शन हुआ हमारा। तो जब मैं इस कॉलेज में आई ना तो लॉकडाउन की वजह से क्या था कि इंटर्न्स यहीं पर ही थे, वो गए नहीं थे, तो थोड़ा स्पेस कम था, तो इसलिए एक रूम में 2-2 लड़कियां रह रही थी स्टार्टिंग के दिनों में, वो भी कुछ कुछ, हर कोई नहीं। तो मेरे साथ एक रूममेट थी, मैं भी डरी हुई आई थी घर से कि पता नहीं क्या ही रैगिंग होती है, बवाल मचा हुआ है रैगिंग के नाम से। और यूट्यूब पे भी हम लोग वीडियोस देखते हैं तो काफी लोग डरा देते हैं, और सच बताऊं तो डराते भी नहीं है, वो भी किसी का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो 100 में से 1-2 बच्चों ने तो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होती है। तो जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मेरी रूममेट ने मुझे पहले ही ट्रेन कर दिया था कि हाँ आगे से जब भी सीनियर तुझे मिलेंगे तो तुझे विश करना है, गुड आफ्टरनून करना है, गुड इवनिंग करना है। लेकिन मैं थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी ना ये चीज़ करने की। पता है मेरे डैडी आर्मी में है, तो जब भी उनके पास कोई फ़ोन आता है ना तो वो बोलते हैं जैन साहब, तो ये सुन के हमें इतनी हंसी आती थी ना कि डैडी आपके मुंह से निकलता कैसे है। तो वो चीज़ मैंने तब एक्सपीरियंस की कि जब भी कोई सीनियर आ रहा था ना तो मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था बोलने के लिए, उनको विश करने के लिए। सीनियर आगे से आया जा रहा है, आया जा रहा है, और वो निकल भी जा रहा है लेकिन मेरा मुंह ही खुल के नहीं दे रहा। लेकिन वही है, धीरे धीरे आदत हो गई। लोगों से जब इंटरेक्शन हुई सीनियर्स के साथ तब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब मैं आपको बताऊं कि ये सीनियर्स अच्छे होते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो एप्रन है, वाइट जो मेरा कोट है, वो मुझे सीनियर ने दिया हुआ है। जो मेरे कॉलेज में जो मैं शूज़ डाल के जाती हूँ, ब्लैक शूज़, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है फर्स्ट ईयर में, तो वो शूज़ भी मुझे सीनियर ने दिए हुए हैं। मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, आपको पता है ना एमबीबीएस में कितनी सारी बुक्स होती हैं, लाइक एक सब्जेक्ट के कितनी एनाटॉमी के कितने पार्ट्स हैं, सारी बुक्स मुझे सीनियर्स ने दी हुई हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर बच्चे को सीनियर्स ही देते हैं। तो एक गलत इमेज बना के मत रखो अपने माइंड में कि सीनियर्स गंदे होते हैं, रैगिंग लेते हैं। हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, और आजकल तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि रैगिंग होती है। और यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, बट काफ़ी जगह ऐसी हो सकती है कि हम इतनी न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पर ये वाली वीडियो किसी की लीक हो गई है, रैगिंग की ये सारी वीडियो। तो ऐसा होता भी होगा यार, इतने सब बच्चे होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ 1-2% ऐसे लोग भी होते हैं जो सच में चाहते हैं कि वो अच्छे से रैगिंग ले। तो हमें भी खुद में ये सोचना चाहिए कि ना हमें देनी है और ना हमें नेक्स्ट ईयर लेनी है, ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए। बाकी अगर मैं बता दूं पीडीपी में, तो पीडीपी में बहुत हेल्दी इंटरेक्शन होता है। आपकी ये आपके ऊपर है कि आपको इंटरेक्शन करना है नहीं करना। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको जाके इंटरेक्शन करना है, जाके उनको विश करनी है। विश करने के लिए भी कोई फोर्स नहीं करता आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर आपको आगे से सामने से कोई इंसान अच्छा लगता है तो आपका दिल कहता है कि उसको रिस्पेक्ट दो। तो वही है, यहाँ पर भी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, 5 साल की जर्नी है। तो आपको पता है कि आपको किसको रिस्पेक्ट देनी है, कौन रिस्पेक्ट के लायक है, और किससे आपकी नहीं बन रही तो किसको नहीं देनी। ये सब आपके ऊपर है, कोई किसी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती है, आपके ऊपर होता है सब कुछ। और यार इंटरेक्शन करना तो आई गेस एक बहुत अच्छी चीज होती है। अपने बैचमेट्स के साथ आप इंटरेक्शन करते हो तो आई गेस आपको सीनियर्स के साथ भी करनी चाहिए। एक बहुत अच्छे सीनियर्स होते हैं। देखो, आप किसी नई जगह पे जाते हो, आपको नहीं पता कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते हैं, तो वो अकेले कैसे आए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेक्शन करते हो, आपको पता लगता है कि आपके एरिया से ये डॉक्टर साहब और भी हैं, तो इसमें आपका ही फायदा है यार कि वो आपको खुद एक बच्चे की तरह वो आपको आपके घर तक छोड़ के आते हैं। सच में ऐसा होता है। जितना नाम खराब होता है ना कि हाँ रैगिंग लेते हैं सीनियर्स, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, बहुत अच्छे, जो सच में। अगर मैं मेरा बताऊं, जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मैं जो मेरे रेवाड़ी से जो डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके पास मैसेज करती हूँ कि हाँ डॉक्टर साहब आप भी चल रहे हो क्या। अगर वो चलते हैं ना तो सच में मुझे इतने अच्छे से घर तक लेके जाते हैं, बहुत अच्छे से। और अगर वो नहीं भी जा रहे होते तब भी वो बोलते हैं कि मैं ऑटो वाले का नंबर भेजती हूँ तुम्हारे पास, और तुम अच्छे से जाना, मुझे बताना, घर पहुँच के मैसेज कर देना। इतना तक सोचो। यहाँ पे कोई थोड़ा सा बीमार भी पड़ता है ना तो सीधा हम लोग कॉल सीनियर के पास ही करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, तो वो खुद दवाई दे के जाते हैं हमें खुद से। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा। हमें कोई भी छोटी मोटी बड़ी कैसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब हमारी पूरी होती है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी गलत इमेज मत रखना। लेकिन अगर सच में आप जाते हो कॉलेज में और वहाँ पे आपके साथ कुछ गलत होता है तो बिल्कुल चुप भी रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर सच में कोई आपको मेंटली टॉर्चर अगर आपको कर रहा है ना तो वो सहन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप शिकायत करो, क्योंकि रैगिंग बैन है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि दीदी आप तो लड़की हो तो हो सकता है आपकी रैगिंग नहीं हो रही हो, बॉयज़ में रैगिंग होती है। तो यार बॉयज़ भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, तो उनका भी बहुत मस्ती मजाक वाला पीडीपी होता है, बहुत मस्ती मजाक वाला, मतलब मजे आते हैं उनको सच में। उनको अच्छा लगता है कि हाँ उन डॉक्टर साहब ने बुलाया था, ऐसे ऐसे इंटरेक्शन हुआ, ऐसे ऐसे मस्ती मजाक हुआ। कितनी ट्रीट्स हमें मिलती हैं, बहुत ट्रीट देते हैं सीनियर्स, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं घर पे ये बात बताती हूँ ना मम्मी हाँ इतनी ट्रीट मिल रही है इतने अच्छे से, कि घर वालों को भी टेंशन होती है ना कि हाँ रैगिंग होगी ये होगा, तो वो बोलते हैं कि हाँ अब तू भी सीनियर बनेगी, तुझे भी ट्रीट देनी है सबको। तो बहुत ट्रीट मिलती है, बहुत अच्छे से रखते हैं। अभी हमारा जो एलवेस था ना, लाइक हमारे कॉलेज में फेस्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी बिजी थी, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह पे पार्टिसिपेट कर रखा था, तो मैं वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई फेस्ट का। तो फेस्ट के टाइम में पता है गेम्स भी होते थे, तो गेम्स में ये होता था कि आपका मैच सीनियर्स के साथ होगा। तो अगर हम जीतते तब भी हमें वो सामने वाले जो सीनियर्स वाली टीम है तब भी वो हमें ट्रीट देगी, और अगर वो जीतते तब तो ट्रीट बनती है। तो सोचो कितना हेल्दी और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। तो सिर्फ एक रैगिंग के नाम से डर के ये मत सोचो कि मैंने इतना पढ़ लिया और अब जाके मुझे रैगिंग देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है ये पीडीपी की आप इसकी वजह से ये चीज सोचो कि मैं लाइक इस प्रोफेशन में एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे पीडीपी होती है। कुछ भी नहीं होती ऐसी चीज। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ तो रियलिटी कुछ तो होगी ना यार, सोचना इस बारे में। और रही बात इंटरेक्शन करने की, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना है या नहीं करना। बाकी बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी और को जानते हो और सच में जो मैं आपको बताती हूँ मुझे स्टेज फियर है, तो वो पीडीपी की वजह से जो इंटरेक्शन होता है उसमें लाइक आपसे काफी आपको लाइक वो दिया जाता है कि हाँ तेरे को सिंगिंग अच्छी लगती है तो कुछ गाना गा के दिखा, तुझे डांस अच्छा लगता है तो चल तू डांस करके दिखा दे। तो ऐसे इंसान और खुलता है और काफी उसमें हिम्मत आती है कि हाँ मैं बाहर भी किसी के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ लाइक जिसको जो भी आता हूँ। और हालांकि मैं आपको बताऊँ, आपको पता है कि मेरे कितने ड्रॉप हैं, तो मैं जब यहाँ पे कॉलेज में आई ना तो सच में मुझे काफी डर था इस बात का कि मैं नहीं बताऊँ लोगों से कि मेरे इतने ड्रॉप है। लेकिन मुझे एक सीनियर ने बिठा के समझाया कि ऐसे कोई भी चीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि तू फाइनली इस कॉलेज में आ गई, ये मैटर करता है बस। और सिर्फ अकेली मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सच में जो काफी ड्रॉप कर करके आए हुए हैं, मेरे बैच में काफी लोग हैं। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग की दी एज की वजह से, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। कितना डिफरेंस होगा, नॉर्मली 2-3 ड्रॉप तो सब लेते हैं, एक आधा आपका अगर एक्स्ट्रा हो गया तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को लेके भी आप बिल्कुल मत सोचना। और आई होप मैं कुछ आपके डाउट्स आपके क्लियर कर पाई होंगी और आप इस चीज से बिल्कुल डरना बंद करोगे कि रैगिंग होती है। बाय बाय।